प्रथम तहलका न्यूज। करनाल के सेक्टर 8 में सुबह सुबह गोलियां चलने से दहशत मच गई। बता दें कि गाड़ी में सवार होकर आए चार बदमाशों ने राइस सेलर के मालिक के घर पर गोलियां चलाई। दिखाई दे रही ये तस्वीरों में ये गाड़ी के शीशे पर लगी गोलियां, घर के पिलर पर लगी गोलियों के निशान और ये खाली खोल इस बात का सबूत है कि बदमाशों ने यहां आकर अपनी पिस्तौल से गोलियां चलाकर खूब दहशत मचाई है। वहीं सेक्टर 8 में इस घर पर बदमाशों के गोलियां चलाने के बाद दहशत का माहौल है। जिस व्यक्ति के घर पर गोलियां चलाई गई वो राइस सेलर के मालिक है और समाज सेवी भी। बता दें कि गाड़ी में सवार होकर आए चार बदमाशों ने पहले तो घर की घंटी बजाई और जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए कोई आने वाला था उससे पहले ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वही मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मकान नंबर 23/8 है, अपना सुभाष सिंह लगे मकान पर आज सुबह पता लगा हमारे को भी भाई चार अननोन पर्सन एक गाड़ी में बैठ कर आए हैं और यहाँ पे उन्होंने फायरिंग की है। तो हम यहाँ भी सूचना पाकर मौके पहुंचे हैं, पूछताछ की गई है और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें गाड़ी का नंबर और उसका पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। CIA टीम, FSL टीम हमारी मौके पर पहुंचने वाली है और इसमें मकान मालिक से भी हम अच्छी तरह पूछताछ करेंगे और जहां तक संभावना है मुलजमों का जल्दी ही सुराग लग जाएगा। काले रंग की गाड़ी बताई जा रही है, गाड़ी का रंग काला मिला है और वो दो चार मिनट सेंटेंस इतना है कि हम अगर देखें तो उनका मुख्य उद्देश्य यही लगाया जा रहा है दहशत फैलाना। मतलब राइस मिलर है, राइस मिलर है तो लगता है कि फिरौती का थ्रेट आया होगा। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है, सिर्फ ये है कि इंटेंशन नजर आ रही है। फिर भी हम इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो इसमें सच्चाई होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। हम 6 भाई हैं और सारे करनाल में रहते हैं और सबके अलग अलग मकान है। ऐसे तो जैसे अब आज मेरे मकान पर कर दी, कल ना दूसरे भाई के मकान पर कर देंगे, ये तो मतलब पुलिस को देखना चाहिए और SP साहब को, प्रशासन को देखना चाहिए और मतलब इसके बारे में तो बहुत बड़ी वो है। अभी कल को मारेगा तो बाहर निकलने का वो नहीं मिलेगा, कल मारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकेंगे, स्कूल में जा सकेंगे। तो सर क्या देखा आपने, क्या आवाज़ सुनी जब सुबह हुआ हमला? सुबह मतलब उन्होंने बेल बजाई एकदम 8-10, तो मिसेज उठकाई, उसने देखा भी एकदम उन्होंने गोली चलाई जी, गेट को टक्कर मारी, कार पे गोली चलाई, मतलब गाली दी उन्होंने नाम लेकर। तो वो कोई जानबूझ के किसी के भेजे हुए स्पेशल आदमी है जिन्होंने मतलब जानबूझ के ये काम आपका किया। क्या कारोबार है सर? मेरा राइस मिल का काम है, आर्ध का भी काम है मेरे को। तो कोई थ्रेट तो नहीं आई पहले किसी तरह की? कोई थ्रेट नहीं पहले, ना कोई बात है किसी के साथ, ना झगड़ा। मैं गौशाला से संबंधित हूँ, महाराज ज्ञानानंद जी से भी बहुत ज्यादा नजदीक। चाहेंगे कि जब तक पकड़े नहीं जाते सुरक्षा मिलनी चाहिए, मारे को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। मतलब मारे अब ये सामने तो हमारे पुलिस ऑफिसर रहती है जी, जी गली में हमारे पूरी ऑफिसर है, सामने जिले राम शर्मा जी रहते हैं। मतलब ऐसे तो मारे को फिर दिन में कोई उठा कर ले जाएगा यहाँ से। घर भी बहुत ज़्यादा गोलियां चल रही थी, जब सुबह चांदना हुआ तब लोग अपने घरों से निकले, फिर देखा भी कोई ऐसा जाती नुकसान तो नहीं हुआ, किसी का ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, बचाव हो गया। पर यह बहुत ही निंदनीय है, हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, डिमांड करते हैं कि सुरक्षा दी जाए परिवार। चाहेंगे कि PCR यहाँ पर खड़ी रहनी चाहिए जब तक बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे जी। छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार में और दहशत का माहौल है, तो पुलिस से, प्रशासन से PCR होनी चाहिए और विशेष पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन गोलियां किसने और क्यों चलाई ये कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस वारदात से सेक्टर के लोगों में डर है और पीड़ित का कहना है कि उनसे पिछले दिनों ना तो कोई फिरौती मांगी गई थी और ना ही किसी तरह का कोई डराने के लिए कॉल आया था। हालांकि पुलिस आसपास के घरों के लगे हुए CCTV फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।